नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो डिटॉल साबुन के ऊपर है। और देखिए, डिटॉल साबुन भी 10 रुपये वाला, जिसको हर कोई खरीद सके। 98% जर्म्स मारता है ये। और देखिए, साफ सफाई का संबंध डिटॉल से है, इससे कौन इनकार कर सकता है। डिटॉल स्वच्छता का प्रतीक है। लेकिन देखिए, आपकी त्वचा यदि ऑयली है, यानी तेली त्वचा है, तो आप इसको लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन यदि आपकी रूखी त्वचा है और आप डिटॉल लगाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो डिटॉल साबुन के ऊपर। नंबर एक साबुन है ये भारतवर्ष का, और 10 रुपये से लगा के 100 रुपये तक के मतलब MRP में ये उपलब्ध होता है। देखिए, अधिकतम मात्रा ग्लिसरीन की है, प्राकृतिक रूप से इसमें ग्लिसरीन होता है। और जब एलर्जी की स्थिति हो, खुजली की स्थिति हो, तो इसको यदि आप इससे नहाते हैं और तो आपको बहुत लाभ होता है। देखिए, नहाने में सबसे अच्छा ये है कि जैसे आप साबुन पूरे शरीर पर लगा लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट तक आपको वैसे के वैसे ही बैठे रहना चाहिए, ताकि जर्म्स को जो है ये साबुन जो है वो इसके झाग जो है पूरी तरह से किल कर सकें, ख़त्म कर सकें। इसलिए साबुन को लगाने के बाद तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए। नहाने का भी आनंद लीजिए, और ये मान के चलिए कि यदि आप लंबे समय तक नहाते हैं, यानी 10 मिनट के आसपास यदि नहाते हैं, तो ये मान के चलिए कि शुगर की जो समस्या है उसमें आपको बहुत ये मान के चलिए कि इस तरह की स्थिति होगी ही नहीं। तो नहाना भी एक तरह से व्यायाम है। अच्छे से नहाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और देखिए, जब हाथ धोने का आता है, हाथ धुलाई दिवस मनाते हैं हम लोग अक्टूबर के महीने में, तो ऐसा कहते हैं कि 5 मिनट तक अपने हाथों को मलते रहना चाहिए। तो कम से कम वो संभव ना हो तो नहाने का समय तो 5 मिनट आप दीजिए, और डिटॉल साबुन लगाने के बाद आप 5 मिनट तक यदि बिना पानी डाले रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि स्वच्छता की पूरी गारंटी है। और रोगाणु नाशक शरीर हो जाएगा आपका, रोगाणु कीटाणु सब खत्म हो जाएंगे। ये डिटॉल साबुन के ऊपर छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छे से स्नान कीजिए, डिटॉल के साथ स्नान कीजिए और जीवन का लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।